नमस्कार जब हम आइसोलेशन वार्ड यानी जो कोविड पॉजिटिव आइसोलेशन मरीजों के साथ रहते हैं तो वहाँ पे भी कुछ चीज़ें हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स यानी जितने डॉक्टर्स और स्टाफ नर्स वार्ड बॉयज क्लीनर्स सब हैं उनको कुछ चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए सबसे पहले जब हम लोग जाते हैं हम हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि जो एरिया जहाँ से पेशेंट के एंट्री एरिया और डॉक्टर्स के एंट्री एरिया सेपरेट होना चाहिए पहुंचने के बाद आप हमेशा उस एरिया में जो है आप अपना स्क्रब स्क्रब यानी या ओटी ड्रेस जो आपके लोकल वो ड्रेस पहने अपने नॉर्मल क्लोथ ना पहनें उसको पहन के आप पेशेंट के आसपास के जो बाकी एरिया है मीन डायरेक्टली जो पेशेंट एरिया नहीं है जो उसके बगल के जितने एरिया है वहां पे आप जाए ग्लव्स हैंड वॉश मास्क जिसके बारे में पहले ही बताया जा चुका है वो सब आप उसके ध्यान रखिए डॉनिंग एंड डॉफिंग के बारे में याद करें जो डायरेक्टली जब पेशेंट के पास जा रहे हो तो डॉनिंग एंड डॉफिंग करना है इस एरिया में जाने से पहले एक चीज और हम लोग जो करते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है जिसमें हम लोग हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की प्रोफ्लेक्स भी देते हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है इसमें लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए ये हंड्रेड प्रूवन नहीं है और इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहती है कि ये एक सप्लीमेंट्री चीज़ है ये नहीं कि आपको बेसिक पीपी, बेसिक क्लीनिंग नॉर्म्स और जो डिस्टेंसिंग के प्रिकॉशन्स आपको फिर भी रखना है दिस इज़ नॉट अबोव दैट आपको इसको लेने से पहले एक और चीज़ ध्यान रखें जो जिनको पहले से हार्ट के पेशेंट्स रहें या हार्ट की कोई बीमारी हो और जो ज़्यादा उम्र के हों जिनको डायबिटीज़ हो हम लोग सजेशन ये कि एक बार ईसीजी कर लें उसके पहले अगर ईसीजी नॉर्मल है तो उसके बाद हाइड्रॉक्सीक्लोरिक्विन की गोलियां दी जाती हैं जो पहले दिन 400 मिलीग्राम सुबह शाम दी जाती है फिर उसके बाद हफ्ते में एक बार दी जाती है क्योंकि कभी कभी देखा गया है रेयर उसमें कि ई में बदलाव आ सकता है इसलिए पहले भी कराएंगे बाद में अगर कोई भी परेशानी हो तो आप अपने जो टीम के जो डॉक्टर हैं सीनियर डॉक्टर उनको इन्फॉर्म करिए और जरूरत पड़े फिर से ई आप कर सकते हैं एक चीज़ और आप ये ध्यान रखें कि इस एरिया में जाने के बाद जो पीपी -पी हम पहनते हैं पीपी -पी के अंदर काफ़ी स्वेटिंग होती है काफ़ी गर्मी होती है तो आपको अपने आप को अच्छे से हाइड्रेट करके जाइए पानी वानी आप अच्छे से लीजिए क्योंकि वरना बहुत लोग स्वेटिंग के कारण डिहाइड्रेट हो सकते हैं बीच बीच में कभी किसी को अगर पेशाब लगती है या किसी को प्यास लगता है तो आपको बाहर आना पड़ता है बाहर अगर एक बार आ गए तो आपको फिर से पी पूरा चेंज करना पड़ेगा अगर ज़्यादा लंबे तौर तक रहना पड़ रहा है तो हम लोग वहाँ पर एडल्ट डायपर्स भी दे रहे हैं ताकि किसी को पिशाबी का अगर जरूरत पड़ी तो तब उसमें यूज़ करें वरना हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि टाइमिंग ऐसे रखें कि आपको चार से छः घंटे के ऊपर कभी भी किसी एरिया में ज़्यादा देर तक रहना ना पड़े खाना खाने के लिए एक बार बाहर आएँ तो उसके बाद ही खाएँ बीच में कुछ ना करें मोबाइल्स ना यूज़ करें अंदर सेपरेट जो एक सी नंबर्स दिए गए हैं ताकि उनको वो वो मोबाइल्स वहीं रहेंगे वो बाहर नहीं आएंगे उनकी क्लीनिंग और प्रक्रिया के बारे में समझाया गया है कि जैसे हाइड्रोजन पर वाइप से उसको क्लीन करते रहें अपने मोबाइल्स को अंदर लेके ना जाएं क्योंकि वो इन्फेक्ट हो सकते हैं मोबाइल बहुत जल्दी वो एक माध्यम बन सकता है कि इन्फेक्शन बाहर भी आ सके बेसिक प्रिकॉशंस हैं बहुत ऐसा चीज़ नहीं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कभी घबराई नहीं जब भी आप जा रहे हैं आराम से प्रॉपर डॉनिंग एंड डॉफिंग करके जाइए और सिंपल नॉर्म्स रखेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी आइसोलेशन एरिया में अगर आपको इस एरिया में अगर एक से ज़्यादा मरीज़ देख रहे हैं तो अगर आपके पास पी पी काफ़ी हैं तो वैसे तो पहले आपको पी पी चेंज करके दूसरे मरीज़ को देखना चाहिए पर यह याद रखिए पी का भी हिसाब रखिए पी पी हमें काउंट uh, रखना है पेशेंट से दूसरे पेशेंट के जाते समय हमेशा हैंड रब करें और ग्लव्स दस्तानों को चेंज करें क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन हाथ से मतलब हैंड टचिंग से ही जाता है इसके अलावा अगर आपने कभी सैम्पलिंग की है किसी की तो कोशिश करें हैंड ग्लव्स और मास्क भी चेंज कर लें अगर पी, पी आपके पास काफ़ी हैं तो बेस्ट वही है कि पूरा ही पी, -पी ही चेंज होगा